नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। शुद्ध राजनीतिक युद्ध को समझने और समझाने वाले शो सत्ता के साथ हम आपके सामने हाजिर। चाणक्य ने कहा था कि समय को समझने वाला जरूर कामयाब होता है, इसलिए सियासत में इस समय क्या चल रहा है और उसे कौन कितना समझ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। आज की राजनीति के केंद्र में है पश्चिम बंगाल। यहाँ राजनीति अपने उफान पर है। पर्दे के पीछे के दावपेच और आरोप प्रत्यारोप के बीच सियासत की सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। लिहाजा सत्ता शो में आज बंगाल की बात और वहां की राजनीति को बेहद सूक्ष्म और अलग तरीके से समझने की कोशिश। लेकिन सबसे पहले हम अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर नंदीग्राम की है। नंदीग्राम में थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी का आरोप है कि उन पर हमला किया गया है। ममता के मुताबिक 4 से 5 लोगों ने उनके काफिले पर हमला किया, उनके पैर में चोट लगी है जिस कारण वो चलने में असमर्थ हैं। ममता ने यह भी कहा कि जानबूझकर उनके पैर को कुचलने की कोशिश हुई है। इस हमले की तस्वीर आपके सामने है। ये हमला अब से कुछ देर पहले बताया जा रहा है। यह आरोप ममता बनर्जी का है कि जानबूझकर उनके पैर को कुचलने की कोशिश की गई। ममता बनर्जी ने कहा कि उनके पैर में दर्द है, काफी उठ नहीं पा रही हैं, चल नहीं पा रही हैं। ममता बनर्जी ने आज ही हल्दिया जाकर के अपना नामांकन भरा था और उसके बाद वो नंदीग्राम में लोगों से मिल रही थी। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि जानबूझकर उनके पैर को कुचलने की कोशिश हुई, 4 से 5 लोगों ने उनके ऊपर हमला किया है। यह हमला साजिश के तहत किया गया है, ममता बनर्जी की तरफ से यह आरोप लगाए गए हैं। हमला कहां हुआ है, कौन लोग थे, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। वो बंगाल के नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हमला 4-5 लोगों ने किया। ममता बनर्जी 4-5 लोगों ने उन्होंने कहा कि मुझ पर हमला किया है, हमला साजिश के तहत हुआ है, यह आरोप है ममता बनर्जी का। और ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इस मामले की चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से होगी। कुछ देर पहले की तस्वीरें अचानक सामने आई जिसमें ममता बनर्जी एक गाड़ी में बैठी हुई थी और उनके पैर में चोट लगी साफ दिखाई दे रही थी। आरोप ममता बनर्जी की तरफ से कि 4 से 5 लोगों ने उन पर हमला किया। और इस वक्त रविशंकर दत्ता नंदीग्राम से हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, ये हमला कहां पर हुआ है और कौन लोग थे, कुछ पता चल पा रहा है? देखिए राहुल, आपको ये जानकारी दे दूं कि ये अटैक हुआ है ममता बनर्जी के, जो कि बंगाल के सीएम और नंदीग्राम की पे, नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ने वाली है। आज उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया था, तो अभी आपको हम दिखा रहे हैं कि रास्ता, हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं नंदीग्राम का बाहर का जो रास्ता है वहाँ से हम जा रहे हैं। तो अटैक का जो जानकारी है वो आपको हम देना चाहते हैं कि रियापारा शिव मंदिर, जहाँ पे ममता बनर्जी अपना माथा टेकने के लिए गए थे शिव मंदिर पे, वहाँ पे धक्का मुक्की हुआ, वो गिर गई और उनका यह आरोप है कि 4 से 5 लोग जो थे उनके ऊपर जानबूझ के यह हमला किया, उनका पैर छिल गया है, खून बह रहा था, वो चल नहीं पा रही, तो एक जगह वो सोई हुई थी। तो ये जो पूरा अटैक है, ममता बनर्जी का ये कहना है उनके ऊपर ये अटैक जानबूझ के किया गया था। अब ये अटैक कहीं पे जानबूझ के अगर उनको किया जा रहा है तो इसका चुनाव पे क्या असर पड़ सकता है, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन कौन लोग ये थे, कौन लोग अटैक किया है, किन के ऊपर उनका आरोप है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ। और ममता बनर्जी ने ये एकदम खुलासा कर दिया है कि जिस तरह उनके ऊपर ये अटैक किया गया है इसका विवरण इलेक्शन कमीशन को जाके वो देंगी, और अगर ऐसा होता है तो नंदीग्राम चुनाव में
कुछ बदलाव आ सकता है ऐसा हमको जानकारी मिल रहा है। ये बदलाव किस तरीके का बदलाव होगा स्थिति बताती है, लेकिन फिलहाल अभी रवि ये सिर्फ आरोप ममता बनर्जी की तरफ से है। तस्वीरें सबके सामने हैं। ममता बनर्जी का आरोप है कि 4 से 5 लोगों ने उन पर हमला किया, ये हमला साजिश के तहत हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया रवि ये जानकारी देने के लिए। लेकिन बंगाल से एक और बड़ी खबर इस वक्त यह है कि बंगाल से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का बयान, पुलिस की मौजूदगी में हमला कैसे हुआ, ममता के पास हजारों सुरक्षा कर्मी हैं, हमलावर कौन था, कैसे फरार हो गया। बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी का एक तरफ आरोप यह कि उन पर 4 से 5 लोगों ने हमला किया, और बीजेपी का यह कहना कि आखिर पुलिस की मौजूदगी में हमला हुआ कैसे। ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक, ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी, 300 पुलिस और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन उनकी सिक्योरिटी? तो सिक्योरिटी जो एस एस 4 IPS को उन्होंने सिक्योरिटी के इंचार्ज बना रखा है, तो चारों को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। और अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया, भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।